भारत में सभी समुदाय के लोग अपने पर्व और त्योहारों को बड़ी ही आस्था और उत्साह के साथ मनाते हैं। जैन धर्म की बात करें तो यह समुदाय विशेष रूप में महावीर जयंती को बड़ी ही भव्यता के साथ मनाते हैं। महावीर जयंती जैन धर्म के 24वें तीर्थ कर भगवान महावीर के जन्म को याद दिलाता है। भगवान महावीर को वीर, अतिवीर, वर्धमान, सन्मति नाम से भी जाना जाता है। करीब 2500 ईसा पूर्व से यानी 599 वर्ष पहले विशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में राजा सिद्धांत और उनकी पत्नी रानी त्रिशला के गर्भ से भगवान महावीर का जन्म हुआ था। वर्तमान युग में कुंडलपुर बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। महावीर भगवान के बचपन का नाम वर्धमान था। भगवान महावीर का जन्म उस युग में हुआ था जिस वक्त हिंसा अपनी चरम सीमा पर थी, पशु बलि दी जाती थी, जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा था। भगवान महावीर ने 30 की उम्र में सांसारिक मोहमाया और राज वैभव त्याग दिया था। आत्मकल्याण एवं संसार कल्याण के लिए संन्यास ले लिया था। उन्हें 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जैन संप्रदाय के लिए महावीर जयंती बहुत ही खास मानी जाती है। महावीर जयंती के दिन जैन धर्म के लोग प्रभात फेरी, अनुष्ठान और शोभा यात्रा निकालते हैं। भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को 5 नियम बताए थे, जिन्हें हम 5 सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। ये 5 सिद्धांत अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह। महावीर जयंती के दिन भगवान महावीर की पूजा की जाती है और उनके दिए उपदेशों को स्मरण किया जाता है। साथ ही इस दिन धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के 13वें दिन अर्थात चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी के तिथि के अवसर पर ये महावीर जयंती मनाई जाती है। इस बार 4 अप्रैल 2023 को ये जयंती मनाई जाएगी। इस दिन समुदाय के लोग जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान महावीर की मूर्ति जो जल अभिषेक करने के बाद फूल, मिठाई और फल चढ़ाने के लिए एक मंच पर रखें। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र बांटकर भोजन कराएं। कुछ लोग इस खास दिन को मनाने के लिए व्रत भी रखते हैं। जैन धर्म के लोग महावीर जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। जैन धर्म भारत का 6ठा सबसे बड़ा धर्म है और पूरे भारत में प्रचलित भी है। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की 1.35 अरब आबादी में करीब 4 करोड़ और 45 लाख तक जैन धर्म के लोगों की संख्या है, जिनमें से अधिकांश महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, कर्नाटक में रहते हैं। हालांकि जैन धर्म का प्रभाव भारतीय जनसंख्या पर कहीं अधिक रहा है। इन नंबरों की तुलना में सुझाव दे तो जैन हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जा सकते हैं, फिर चाहे बात बड़े समाजों से लेकर छोटे समाजों तक की हो। 16,301 जैनियों की आबादी वाला झारखंड राज्य, जहाँ पे सम्मेल शिखर जी के पवित्र तीर्थ स्थल भी है, और जैन लोग पूरे भारत और दुनिया भर के कई अन्य देशों में पाए जा सकते हैं। ऐसी ही रोचक कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर और लाइक करें। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।